नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि आरएलडी अब सपा के साथ अपने गठबंधन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी को सीधा ऑफर दिया जा चुका है बीजेपी से। 4 सीटों का ऑफर जयंत चौधरी को दिया गया है और ऐसे में क्या वाकई जयंत चौधरी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और अखिलेश यादव आखिरकार किस तरह से अब लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे अगर जयंत चौधरी वाकई में अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। इस बीच चर्चा हो रही है कि इस पूरे मामले पर अब डिंपल यादव कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि डिंपल यादव ने इस मामले पे साफ तौर पर कहा कि जयंत चौधरी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। किसानों के लिए जो संघर्ष विपक्ष कर रहे हैं उस संघर्ष को जाया नहीं जाने देंगे जयंत चौधरी। लेकिन फिर भी लगातार यूपी की सियासत में आरएलडी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो भी जेडीयू की तरह एनडीए में शामिल हो सकती है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में क्या डिंपल यादव की तरफ से बड़ी पहल यहां पर होती हुई देखी जा सकती है? भले ही अखिलेश यादव दावा कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार भी भरोसा दिला रहे थे और उस भरोसे को तोड़ते हुए वे एनडीए में शामिल हो गए और इस कयास ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की यहां पर मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया है। ऐसे में आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन ना टूटे, यहां पर क्या कोई बड़ी जो पहल है वो अब डिंपल यादव और अखिलेश यादव की तरफ से की जा सकती है? क्या जयंत चौधरी से मुलाकात करते हुए अखिलेश और डिंपल नजर आ सकते हैं इस गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए? क्योंकि अगर जरा सी भी चूक यहां पर हो जाती है तो जाहिर तौर पर ये गठबंधन टूट जाएगा और एक बड़ा झटका सपा को लोकसभा चुनाव से पहले लगता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या अखिलेश यादव और डिंपल यादव अब जल्द ही जयंत चौधरी से मुलाकात कर इस गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।